हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय पिंच ऑफ यम। कड़ी पत्ता या करी लीफ, ये एक ऐसी इंग्रेडिएंट है जो खाना बनाते वक्त हम सबसे पहले डालते हैं और साथ ही साथ जब खाने की बात आए तो सबसे पहले उसे ही साइड में निकाल कर रख देते हैं। करी लीफ वैसे तो कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, कैल्शियम एंड विटामिन में बहुत रिच है, जो हमारी हेयर ग्रोथ और इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आज बनाते हैं एक करी लीफ चटनी और कूदर। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम केवल 9 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे। आधा कप सिंगदाना या पीनट्स, 3/4 कप चना दाल, 1/4 कप उड़द दाल, 5-6 लाल मिर्च, नमक, धनिया, इमली और गुड़, जीरा और साथ ही साथ फ्रेश करी पत्ता हमने धोकर रख दिया है। इस रेसिपी में हम सारे इंग्रेडिएंट्स को ड्राई रोस्ट करेंगे बिना तेल के। तो सबसे पहले चना दाल और उड़द दाल को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक ये हल्के सी ब्राउन ना हो जाए। दाल अब लगभग रोस्ट हो चुकी है, जब तक ये पूरी तरह ब्राउन नहीं हो जाती हम तब तक उसे रोस्ट कर लेंगे। जैसे ये रोस्ट हो जाए हम इसे एक बर्तन में निकाल के रख देंगे। हम इन इंग्रेडिएंट्स को अलग से रोस्ट कर रहे हैं क्योंकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो अपना अलग अलग टाइम लेते हैं। तो इसलिए सेकेंड बैच में हम सिंगदाना और साथ ही साथ जो हमारे दूसरे मसाले हैं जैसे लाल मिर्च, धनिया और जीरा, इसे अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे। इस मिक्सचर को आप स्टर करते रहे ताकि नीचे से ना जले। तो लीजिए, हमारा सेकेंड बैच भी तैयार है। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट बैच की ओर और वो है करी लीव्स। करी लीव्स क्योंकि हमने अच्छे से धोए थे और ये बहुत फ्रेश है, इनमें मॉइस्चर बहुत होगा। हम इसे तब तक रोस्ट करेंगे जब तक ये पूरा पानी सूख नहीं जाता है और पत्ते अच्छे से सूख ना जाए। हम इन्हें इसलिए रोस्ट कर रहे हैं ताकि जो कड़वापन होगा इन पत्तों में वो निकल जाएगा और साथ ही साथ जो इसकी शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। तो हम इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जैसा आप देख रहे हैं जो पत्ते हैं वो अच्छी तरह से सिकुड़ चुके हैं। तो लीजिए, अब हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़ और इमली। ये कम्प्लीटली आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो चटनी है वो खट्टी मीठी हो तो आप थोड़ा ज़्यादा गुड़ ऐड कर दें। नमक ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे एक मिक्सर में ले लेंगे, ऐड कर लेंगे 1 कप पानी और इसे अच्छे से पीस लेंगे। मैं इसे बहुत लूज नहीं रख रही हूँ, मैंने इसे एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी में बनाया है। आप अपने अनुसार पानी ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारी करी लीफ चटनी अब बनकर तैयार है। इस मल्टीपर्पज चटनी को आप एक सैंडविच स्प्रेड की तरह यूज कर सकते हैं या आपके इडली डोसे के साथ आप खा सकते हैं। पर अब मैं इसका बनाऊंगी एक कूलर। मैं उसी मिक्सर में थोड़ा सा चटनी लगभग 1 टीस्पून ऐड करके उसमें ऐड कर दूंगी 1 कप छाछ, स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये एक परफेक्ट रिफ्रेशमेंट है जिसके हेल्थ बेनिफिट्स तो है ही पर साथ ही साथ बहुत टेस्टी भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। See you in the next video. Bye-bye.